हंसी वादिया खुला आसमां आ गए हम एमपी में और जा रहे हैं कर्नाटका। सो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द सडन प्लान। पहले हम ओरछा का ट्रिप बना के आए थे, रिजॉर्ट में स्टे करने वाले थे। 400 किलोमीटर घर से आने के बाद कीड़ा काट गया कि भाई बहुत दिन दोस्तों से मिले नहीं, ठीक है रस्तों पे भी निकले नहीं है, तो निकल पड़े। रास्ता अच्छा था, एक दिन का ट्रिप शॉर्ट किया ओरछा का, जो देखना था देख लिया और निकल पड़े। सो फाइनली ओरछा से 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं और जब हमने रास्ता शुरू किया था तो गूगल माता ने हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो ग्राम की सड़क है उससे निकाला और दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं। सो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि भैया क्या होगा, पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। फाइनली हम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पे चल चुके हैं, दैट इज कॉल्ड NH 44, और अभी थोड़ी दूर और पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट टेंशन कम है कि हम हाईवे, नेशनल हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ नहीं होगा तो किसी को भी रिक्वेस्ट करके कम से कम टेल के तो ले जाएंगे गाड़ी, बट गांव के सड़क से निकल चुके हैं। बट ऑसम एक्सपीरियंस, मज़ा आया, घाट ऐसे 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 मस्त चला गया, ओवरऑल इट वॉज फन। सो विल कीप यू पोस्टेड, स्टे ट्यून्ड। हम निक्कर पहन के चला रहे हैं अभी, इसका भी अलग ही आनंद है। सो हमारा अगला पड़ाव सागर है। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 44 एशियन हाईवे नंबर 43 पे, से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का रोड बनाया है, धन्यवाद गडकरी जी, आपने शानदार सड़कें बनाई हैं, हम खुश हुए। बट एक ही मुझे कमी लगी, बट वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रे काउज हैं जो कि कभी भी सड़क पे चले आते हैं, तो आप जब भी इन रास्तों पे जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप स्पीड अपनी कंट्रोल में रखें और रास्ते से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये स्ट्रे काउज एनिमल्स कभी भी आपके गाड़ी के सामने आ सकते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों साइड में फेंसिंग दी जाए, तो इसीलिए That's okay. You have to be careful. So that's a small advice. Baki, our trip is on and we are enjoying. Neela Asman, dark blue sadak, hare hare ped pade. Bas barish ki hai deri. Aha ha. Thodi si barish ho jaye, mausam thanda ho jayega. अभी फिलहाल हम सागर क्रॉस कर चुके हैं और वी आर अप्रोचिंग नरसिंहपुर। नागपुर होते हुए हैदराबाद, हैदराबाद होते हुए हम बैंगलोर की यात्रा पे अग्रसर हैं। अगली अपडेट आपको थोड़ी देर बाद दी जाएगी, धन्यवाद। बन्नो अरे बन्नो मेरी चली ससुराल को, रास्तों में गोरू आ गई दुआ में।
এই দেখো গরুটা আসবি বসবি মিঠি গুনে গানি দে গই সো কবিরা মাঞ্জা রাস্তা অ্যাজ ইউজুয়াল বহুত আচ্ছা আর সো ফার হাম ओरछा से 372 किलोमीटर आ चुके हैं और अपने घर से करीबन 900 किलोमीटर सो कुछ देर में हम ब्रेक लेंगे और आपको आगे का ब्यौरा बताएंगे अंटिल देन एंजॉय द वीडियो चलकर अभी शाम के 5:30 बजे हैं 616 किलोमीटर चल चुके हैं और हम नागपुर को बाईपास करते हुए निकल रहे हैं सो 9 घंटे में हमने ये दूरी तय की है बीच में पेंच नेशनल पार्क का एरिया भी पड़ा था और थोड़ा सा वो कर्व्स एंड ऑल ग्रीनरी के बीच में से होते हुए आए अभी अगला पड़ाव हमारा आदिलाबाद जो कि यहाँ से और 200 किलोमीटर है तो अगला अपडेट हम आपको वहाँ से देंगे डिनर के लिए रुकेंगे वहां से आपको अपडेट देते हैं बाय